हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ अभी। और पूजा यहाँ पे मम्मी से बात कर रही है फ़ोन पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पूजा सारी बात बता रही थी मम्मी को, क्योंकि हमारे साथ में जो घटना घटित हुई है रात में, वही पूजा मम्मी से बता रही थी कॉलिंग पे। गाइस, इतना हम लोग डरे हुए हैं कि पूछो नहीं। हुआ क्या था, आप लोग वीडियो के लास्ट तक रहना और तभी आपको ब्लॉग समझ में आएगा। और वैसे समझ नहीं पाओगे, 2 दिन का ब्लॉग मैंने एक में ही ऐड किया है। और प्लीज़ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरी वीडियोस को, कि मुझे इंसाफ मिल सके, मुझे इंसाफ मिल सके गाइस। क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। क्योंकि 2-3 दिनों से, क्या इतने दिनों से हम परेशान हैं यहाँ पे। और कल जो रात में हुआ ना, वो तो बहुत ही भयानक था। कि और कोई इंसान होता ना तो सोचता कि बस अब यहाँ से निकल ही लो तो ही ठीक है। पूजा का कद्दू खाने का मन था तो थोड़ा सा वो कद्दू बनाएंगी, और कह रही थी दीदी मेरा कद्दू खाने का मन है। और बाकी हम सेव लेके आए थे नमकीन, उसकी सब्जी बनाएंगे। वो सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। आप लोगों ने बनाई है कि नहीं बनाई है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वो भी बहुत टेस्टी बनती है, रोटी चावल के साथ में, पूड़ी के साथ में भी बहुत अच्छी लगती है सेव की सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए। और प्लीज़ जितने भी न्यू आते हो ना, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। और तो हुआ क्या था कि हम लोग लेटे हुए थे अंदर, और तो रात का वही 10:30-11 कुछ ऐसे ही टाइम नहीं पता है, और लाइट इनवाइट आ नहीं रही थी तो इन्वाइटर भी मेरा डाउन हो गया था। तो हम लोग मतलब लेटे थे, अंधेरा था। तो 10:30 या 11 कुछ ऐसे ही बजा होगा, और बाहर कुछ लोग गेट के पास थे, गेट खोलो गेट खोलो ऐसे दरवाज़ा पीट रहे थे। तो आवाज़ें आ रही थी, तो हम मतलब अंधेरा भी था और गेट में तो ता लॉक लगा हुआ था, लेकिन डर इतना लग रहा था कि कौन आ गया कौन नहीं। तो उजाला होता तो तुरंत से हम लाइट जला के देख भी लेते फेस उन लोगों का कि कौन है कौन नहीं है। तो हम लोग नहीं गए देखने के लिए, और इतना हम डर गए। निका बहुत तेज़ तेज़ से रोने लगी, वो डर गई कि अंदर ना आ जाए, हम लोगों को मारने ना लगें। अब तुम सोच लो, अनिका का मैम ऐसे ना मुंह पे हाथ उसके में रखी, वो बहुत तेज़ तेज़ से चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी अब हम लोग क्या करेंगे, पापा भी नहीं है। सोचो हम लोगों के साथ में रात में इतना भयानक हुआ है ना, कि दिल पे हाथ रख के हम लोग बैठे रहे हैं। और 100 नंबर को हम कॉल लगा रहे थे, नंबर ही नहीं लगे, नंबर ही नहीं लगे, इमरजेंसी कॉल लगी नहीं रही थी। इतना परेशान कि कैसे किसको बुलाएं किससे कहें, मतलब जैसे होता है ना कि कभी कभी हमें ज़रूरत होती वो चीज़ हो भी नहीं पाती है उस टाइम पे, और कॉलिंग ही ना लगे। 10:90 को पूजा लगाए अपने फ़ोन से, मैं लगाऊं वो अपने फ़ोन से लगा रही है। और मॉर्निंग का हो गया है 10 और बन रहा है सेव की सब्जी, और पूजा बना रही है। पूजा वहाँ पे मैगी मसाला रखा हुआ। तो ये रहा सेव, जो सेव वाली नमकीन होती है वो है नमकीन। और पूजा इसकी सब्जी बनाएंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बिल्कुल टेस्ट इसका आता है, जो धरती का फूल खाते होंगे उनको पता होगा मशरूम का जैसा टेस्ट आता है इसमें सेव की सब्जी में। तो रेगुलर जो मसाले पड़ते हैं वो पूजा ने इसमें डाले हैं, बाकी टमाटर पड़ेगा और मैगी मसाला बहुत ही ज़रूरी है। मैगी मसाले से ही इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैगी मसाला डालेगी, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने लगी है, रोटी बन जाएगी, चावल बनाऊंगे थोड़े चावल बन जाएंगे, बस यही आज का खाना रहेगा। तो गाइस, चैनल पे न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, तो हम आपको ये रेसिपी दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्यों मेहनत करे जा रही हूँ, ये कौन सा खेल है भाई? चोट नहीं लगनी चाहिए।
तो गाइस फिर उसके बाद 10 मिनट तक वो लोग रुके हैं और बार बार यही कह रहे थे गेट खोलो। गेट पे ना ऐसे खूब कस कस के डंडा था या क्या था जिससे वो पीट रहे थे गेट को। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए हैं, इतना डरे कि हम आपको बता नहीं सकते। सुबह से हमने एक बार ही गेट खोला है, उसके बाद मैंने गेट नहीं खोला। और ये किसकी हरकत है आप लोग खुद ही जान सकते हो। फिर उसके बाद पूजा यहाँ पे सेव की सब्जी बना रही है और आज देखो मम्मी पापा आ जाएंगे और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे गाइस, क्योंकि अब हम लोगों को वो लोग यहाँ रहने नहीं देंगे और क्या पता क्या हो जाता रात में। तो हम लोग फिर पता है फिर नीचे से भागे छत पे, क्योंकि नीचे इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि इतना डर लग रहा था। तो पूजा ने कहा छत पे चलो, और छत पे कोई बात होती है तो हम लोग आवाज़ भी लगा सकते हैं आसपास में और नीचे से आवाज़ भी नहीं जाएगी। तो उसने कहा चलो छत पे चलते हैं। तो हम लोग छत पे भी भाग के गए और छत पे लेटे थोड़ी देर, लेकिन वहाँ पे भी चैन नहीं पड़ रहा था कि खुला है कैसे लेटेंगे क्या करेंगे। तो वहाँ से भी भगे नीचे। तो आप चलिए हम आपको दिखाते हैं हम छत पे कैसे लेटते हैं। आज मच्छरदानी नहीं निकाली थी, ऐसे ही सारे बिस्तर पड़े हुए हैं। चलिए निकाल लेते हैं क्योंकि धूप आ गई है, ख़राब हो जाएगी धूप में हमारी मच्छरदानी। हाँ ये सारा कुछ उड़ गया फ्रेंड। ये देखिए हमारी टेंट वाली मच्छरदानी, यहाँ पे हम लोग लेटते हैं तीनों लोग कुछ ऐसे। अनिका रुको, तो हम नीचे चले आए थे तो मच्छरदानी ऊपर ही लगी की लगी रह गई थी। तो मॉर्निंग में आए हैं हम इसको निकालने के लिए। तो क्या बताऊँ मैं, अनिका भी तो थोड़ा सा वो ठीक है, खुश है। और रात में जो भी हुआ हम लोगों के साथ में, बहुत कुछ घट सकता था हम लोगों के साथ। पता नहीं, जैसे लगता है ये अपने नहीं, ये दुश्मन से भी बेहतर है। इन लोगों का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब ये क्या कर दें, है ना। इतना बड़ा हम लोगों के साथ में, बट अनिका इतना रोई है मैं आपको बता नहीं सकती। अंधेरा था, नहीं तो मैं वीडियो भी शूट कर लेती, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया उस दिन लाइट के वजह से। तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी अपनी निकाल रही हूँ और नीचे लेके चलती हूँ। बस यही है फ्रेंड, जो अब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, बस अब नहीं रुकेंगे। और क्योंकि मेरे बच्चे की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यही चीज़ें हैं गाइस, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो, सपोर्ट दो मुझे, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। प्लीज़ मुझे सपोर्ट दीजिए, इतने इतना तकलीफ़ मैं सह रही हूँ और कहीं से भी मुझे कोई सपोर्ट या न्याय कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहती हूँ आप लोगों से डेली, बताती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का भी हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, परेशान बहुत ज़्यादा हूँ। यहाँ पे हवा ठंडी ठंडी सी चल रही है, अच्छा लग रहा था छत पे। चलती हूँ नीचे और देखती हूँ पूजा क्या कर रही है। वो तो सब्जी बना ही रही थी जैसे मैंने आपको दिखाया ही। तो यही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, भगवान जी हैं हमारे साथ में तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। जब तक कान्हा जी हैं हमारे साथ में, बस उनका आशीर्वाद बना रहे। मेरा एडिटिंग करने में भी मन नहीं लगता है गाइस, वो वॉइस ओवर मैं कर तो रही हूँ लेकिन कुछ बढ़िया से कर नहीं पा रही हूँ। मेरा मन ही नहीं करता है करने का, क्या करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। अनिका की देखो कैसे मच्छरदानी लेके नीचे जा रही है। फिर यहाँ पे पूजा ने भी मसाला वसाला भून के पानी ऐड कर दिया, पानी पक गया है तब इसमें सेव डाल देंगी और ये पक जाएंगे। इनको पकने में टाइम नहीं लगता है, भाप में ही हो जाते हैं, है ना। तो चलिए फिर बन जाएगी हमारी सेव की सब्जी, तब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा करके खा पी लेंगे और फिर मम्मी आ जाएंगी तो हम लोग यहाँ से चले भी जाएंगे फ्रेंड। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में क्या है क्या नहीं, कुछ भी हो सही नहीं हो रहा है बस। तो यहाँ पे सेव की सब्जी बन गई है और अब हम इस ब्लॉग को भी एंड कर देंगे। आप लोग किस तरीके से बनाते हो ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट करके कि आप लोग सेव की सब्जी किस तरीके से बनाते हैं। पूजा हमारी बनाती है मैगी मसाला डाल के और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जैसे आप मशरूम खा रहे हो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, मशरूम के ही तरीके से आता है। तो चलिए फ्रेंड, और इस ब्लॉग को अब हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ भी समझ में आया हो वो बताइएगा। अच्छा क्या बोलूँ, इतनी परेशानियों के साथ में मैं ब्लॉग बना ही रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है क्योंकि
मन वन तो करता नहीं है। यहाँ पे पूजा थाली निकाल रही है, कह रही है चलो खाना खा लेते हैं। तो ये रही सेव सब की फाइनल, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसी दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के साथ में खूब ज़्यादा खुश रहिए, प्यार दीजिए और अपना भी ध्यान रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे, हरी बोल।